हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप फाउंडेशन बिल्कुल परफेक्टली सीमलेस फिनिश के साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप मेकअप करना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ, और अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका जो बेस मेकअप है, फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छे से अप्लाई होगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहला स्टेप जो है वो है हमारे स्किन को प्रेप करना है। और प्रेप करने के लिए सबसे पहले हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर उसे अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट स्किप दिस स्टेप, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं करते हैं, तैयार नहीं करते हैं, तो मेकअप में जो है एक टेंडेंसी होती है, वो क्रीज होने लगेगी, अच्छे से सेटल नहीं होगी, जो सीमलेस फिनिश है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजिए। तो फाउंडेशन लगाने से पहले अपने स्किन को बिल्कुल अच्छे से क्लीन एंड मॉइस्चराइज जरूर कीजिए। तो गाइस, मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और इसके बाद अब मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, सो दैट्स व्हाई मैं अच्छे से चाहती हूँ कि मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो जाए। स्टेप नंबर टू है कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हमें एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए रुकना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट्स है वो हमें हमारे स्किन में अच्छे से सिंक हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हमें फाउंडेशन लगाना चाहिए। सो गाइस, स्टेप नंबर थ्री है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जब आप चूज़ करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो है शेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंड कवरेज, मीन्स आपको फुल कवरेज चाहिए या फिर आपको मीडियम कवरेज चाहिए, ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और शेड के टाइम पे गाइस बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपके स्किन टोन से मैच करता हुआ ही आप शेड अप्लाई करें। 19-20 चलता है, बट अगर आप चाहेंगे कि आप सांवले हैं और आप लाइटर शेड लगाएंगे कि ताकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट दिखे, अच्छी दिखे, का जो लुक है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो शेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सो गाइज, मैं लैक्मे का दो शेड यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, और यह है, एक है नेचुरल शेल और एक है नेचुरल मार्बल। और दो शेड इसके लिए ले रही हूँ क्योंकि ये जो नेचुरल शेल है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन के हिसाब से, और ये जो नेचुरल मार्बल है वो मुझे लगता है कि थोड़ा लाइटर है। तो मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद मेरा जो स्किन टोन के हिसाब से एक शेड तैयार होगा, फिर मैं उसे अप्लाई करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे शेक कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने लिया है नेचुरल शेल। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। या परफेक्ट। तो गाइस, हमारा फाउंडेशन तैयार है। अब स्टेप नंबर फोर है कि हमें हमारे फेस के जो मेन पॉइंट्स है, लाइक चीक, चिन, फोरहेड और नोज, इन पे हम इसका जो फाउंडेशन से डॉट बनाएंगे लाइक दिस। अब ये जो बचा हुआ प्रोडक्ट है इसे हम जब रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से यूज करेंगे। अब गाइस, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करने के लिए इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप किस कैसे ब्लेंड करते हैं, बट क्योंकि हमें अच्छा एक फिनिश चाहिए, इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कीजिए। और ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करने से पहले आप देख सकते हैं मैंने इसे पानी में इस तरीके से सोक करके रखा हुआ है। तो इसके बाद इसे अच्छे से पानी में सोक करने के बाद इसे हम अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो रेडी है यूज करने के लिए। या फिर आप इस तरीके का एक पैड इस्तेमाल कर सकते हैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। और ये गाइस एक बहुत ही अमेजिंग, ये भी एक टूल है। तो चलिए हम इससे अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं। बट इसको ब्लेंड करने के टाइम पे आप ध्यान रखें कि इसे ड्रैग ना करे, रब ना करे, बस इसे इस तरीके से हमें डैप करते जाना है।
तो मैं ये कि ऊपर का जो पोर्शन है मैं इससे ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ, और इससे भी गाइस बहुत ही अच्छा फिनिश आता है, बहुत ही, देखिए आप देख सकते हैं फटाफट ब्लेंड हो जाता है। तो मैं थोड़ा और प्रोडक्ट लूंगी, तब देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली मेरा फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड हो गया है। और गाइस मैं इसका लिंक और नाम वगैरह जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां देख सकते हैं। थोड़ा आंखों के ऊपर भी लगाऊंगी। मैं दोनों को एक एक करके इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे आपको एक परफेक्ट आइडिया मिल जाए। सो फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए आप बिल्कुल एजेस को अच्छे से ब्लेंड कीजिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि फेस के साथ साथ हमें नेक को बिल्कुल नहीं भूलना है। सो गाइस मैंने अपना फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, और इसके ऊपर जब मेकअप आएगा और जब ये थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होगा, थोड़ा सा चेंज होता है, सेटल होता है हमारे स्किन में, तो बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएगा हमारे स्किन पे। तो चलिए इसके ऊपर हम हल्का सा मेकअप कर लेते हैं। तो मैंने अपना ब्लश अप्लाई कर लिया है, और इसके बाद में मैं थोड़ा सा लिपस्टिक अप्लाई कर लूंगी। लिपस्टिक में थोड़ा सा चीक पे भी लगा लूंगी। सो गाइस ये था आज का वीडियो, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आपको इसके बगल में एक बेल आइकन दिखेगा उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और अगर आपके पास अगेन कोई सजेशन है, फीडबैक है या फिर क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।